बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और हमने आज काफी सारा काम करना है। और बेटे एक बात सुनो, जो बच्चा आज का लेक्चर ध्यान से सुनेगा, लंबा लेक्चर है, वो एक बार फाइनल एग्जाम में बैठ के मन ही मन टीचर का थैंक यू जरूर बोलेगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपको कि जो बच्चा आज का लेक्चर ध्यान से सुन लेगा, वो 10th के फाइनल एग्जाम में जब साइंस का पेपर अटेम्प्ट करेगा तो एक बार थैंक यू जरूर निकलेगा कि सर, सब ये वाला सेक्शन जो आपने कराया था, हमें इसके सारे क्वेश्चन आते। बस एक ही शर्त है, आज का लेक्चर ध्यान से सुन ले। राइट बेटे, शाबाश। मैं अपने बच्चों का कॉन्सेप्ट बनाते हुए आगे बढ़ूंगा। असाइनमेंट काफी लंबी है और सामने देखो, इलेक्ट्रिसिटी वर्कशीट पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 से हम चलेंगे। सभी बच्चे लिख लो हेडिंग, हेडिंग शाबाश, राइट ऑन द हेडिंग, पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन शीट। और मैं ये चाहूंगा कि सभी बच्चे दो कलर के पेन रखें, क्योंकि कोई ऐसी चीज जो आपके लिए बिल्कुल कम वीक है वो आप स्टार लगा सकते हो स्पेशल कलर का। एक रूल हमारा पक्का है बेटे, आपको पता ही है, इफ यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स व्हेन आई आस्क, रेज राइट हैंड, इफ नॉट विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी शाई, रेज लेफ्ट हैंड। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हम आगे बढ़े अब, तो सभी बच्चे एक बार मेरे को थंब दिखाएंगे। यस लेट्स स्टार्ट सर, थंब दिखाओ ऐसे, इफ यू वॉन्ट कि हमें शुरू करें। बैठे हुए बच्चे जो जमीन पे बैठे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे, उनकी तरफ से इंडिकेशन नहीं आया मेरे को। आर यू रेडी बेटे? ओके शाबाश। सो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। वेरी नाइस। हमारे पास ना एक सर्किट दिया है बेटे, देखो टॉप पे, बिल्कुल टॉप पे क्वेश्चन पेज नंबर 3, और यहां पर उसने लैंप बना रखा है, ठीक है, बल्ब है, 4 ओम का रेजिस्टेंस दिस वन, और लैंप का है बेटे 20 ओम, राइट। और ये सर्किट है, सर्किट में करंट दिखाया हुआ है आई, एंड यू ऑल नो करंट ऑलवेज मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको लेंथ में लंबा दिखाना होता है, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे बैटरी बनती है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को सेल बोलते हैं, और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को बैटरी बोलते हैं। ये क्या हो गया बेटे? बैटरी, राइट। और यहां करंट को माप मेशर करने के लिए एमोमीटर इंस्ट्रूमेंट दिखा रखा है, एमीटर। एमीटर क्या होता है बच्चे? एम मीटर, ऐसे स्पेलिंग है। ये कहां से बना है? आपको टीचर ने बताया था। करंट का यूनिट क्या होता है बेटे? एम्पियर। मीटर क्या होता है? कोई भी चीज मापने वाली। तो एम मीटर क्या हुआ? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो गया जो वायर में से करंट गुजर रहे करंट को माप के बताएगा कि वो कितने एम्पियर का है, 20 एम्पियर या 30 एम्पियर, ठीक है। तो एम मीटर क्या हो गया बेटे? करंट मेजरिंग डिवाइस, करंट मेजरिंग डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो। और ये इसका अपना रेजिस्टेंस एमीटर का बहुत लो होता है, वेरी लो, ठीक है। एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है ऐसा ही, उसको वोल्ट मीटर बोलते हैं, वो वोल्टेज ड्रॉप मापता है या पोटेंशियल ड्रॉप, उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, राइट। जितना किसी एमोमीटर का रेजिस्टेंस लो होएगा, नोट करते रहो करो पॉइंट, न्यूमेरिकल तो बहाना है, मैंने इसके साथ एक्स्ट्रा पॉइंट बहुत सारे बताने हैं। जितना किसी एमीटर का रेजिस्टेंस लो होगा, उतना वो करंट को मेजर करते वक्त एक्यूरेसी ज्यादा देगा, यानी ज्यादा एक्यूरेसी से करंट माप के देगा, ठीक है। तो इसका मतलब, बच्चा कहता है सर इसका मतलब तो ये हुआ कि आइडियल एमोमीटर जो होगा, आइडियल माने दी बेस्ट, IDEAL, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस तो फिर आप 0 ओम ही बोलोगे। यस, अगर रेजिस्टेंस लेना हो वो भी एमीटर का और पेपर में आ जाए और आइडियल एमीटर साथ में बोल दे,
तो आपको उसको 0 ओम रेजिस्टेंस बताना, ठीक है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना एमोमीटर का रेजिस्टेंस 0 के पास पास होगा, उतना वो इंस्ट्रूमेंट करंट मेजर करते वक्त एक्यूरेसी ज्यादा दिखाएगा, राइट। करंट कहाँ से चलता है? हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी के आउटसाइड दी सर्किट ऐसे जाता है। सर्किट क्लोज होना चाहिए, कहीं से टूटा नहीं होना चाहिए, और जितना करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है उतना ही नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर करता है करंट। ओके, तो ये मैंने क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको काफी सारे एडिशनल पॉइंट बता दिए। अब हम देखते हैं कि ये पूछता क्या है हमसे। हमसे ये पूछता है बेटे कि टोटल रेजिस्टेंस बताओ, सर्किट में करंट बताओ, पोटेंशियल ड्रॉप बताओ, ऐसी ऐसी बातें पूछता है। लो, एक तो हमसे पूछता है सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या है। आप गौर से देखो, 4 ओम का रेजिस्टेंस बेटे और इस बल्ब का रेजिस्टेंस हो, दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में लगे हुए हैं, दोनों सेम स्ट्रेट में लगे हुए हैं। इसका मतलब हमें आर टोटल निकालने के लिए आर सीरीज वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। सीरीज में क्या बोला था टीचर ने, जितने भी रेजिस्टेंसेस लगे होते डायरेक्ट उनका डायरेक्ट सम करना है। क्या सब बात, तो इसका मतलब हुआ 4 ओम प्लस 20 ओम एंड द आंसर शुड कम आउट एज 24 ओम। तो पहला पार्ट मेरे बच्चों को समझ आया। लेट्स मूव सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में बोलता है इस सर्किट में करंट कितना है। शाबाश, ध्यान से देखेंगे हमसे क्या पूछता है वो, सर्किट में फ्लो करने वाला करंट क्या है। और इसी क्वेश्चन वो ऐसे भी पूछ सकता था, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द एमोमीटर, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द एमोमीटर। तो बच्चे को पता होना चाहिए रीडिंग ऑफ एमोमीटर मीन्स एमोमीटर क्या मेजर करके देता है। टीचर ने पहले ही बोल दिया करंट मेजरिंग डिवाइस, इसका मतलब वो करंट ही पूछ रहा है। अब हम सभी को पता है कि ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेटे, वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टोटल जो भी है। अब वोल्टेज ड्रॉप का मतलब है बैटरी का सारा वोल्टेज ड्रॉप इन ये दोनों ही कंज्यूम करेंगे, ठीक है। और ये कॉपर की वायर होती है, हल्का फुल्का और वोल्टेज ड्रॉप उधर भी होता है, लेकिन इतना कम होता है उसको इग्नोर कर सकते हैं हम, बिकॉज कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर। तो वोल्टेज ड्रॉप या जा यहाँ होएगा या यहाँ होएगा, मतलब इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप करेगा। बैटरी है कितने वोल्ट की दे रखी बेटे हमें, ये गौर से देखो, आप पेपर में दे रखी है 6 वोल्ट की, गौर से देखो 6 वोल्ट की दे रखी है फिगर में। लेट्स पुट हियर 6, आई वी हैव टू कैलकुलेट, आर टोटल हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कितना 24 ओम। जैसे ही हम कैलकुलेशन करेंगे सभी बच्चे बोलेंगे 6/24 करके सर आपका करंट आएगा, तो 6/24 एवरीबॉडी नोज 0.25 2 पाई एम्पियर, एम्पियर 2 पाई 0.25 एम्पियर। ओके, तो आपको उम्मीद करता हूं दूसरा पार्ट भी समझ आया। अब हम देखते हैं तीसरा पार्ट बच्चे। तीसरा पार्ट वो पूछता है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस लैंप, बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। देखो ये मतलब कहने का है कि ये वाला बल्ब कितनी वोल्टेज को कंज्यूम कर गया, बैटरी की टोटल वोल्टेज में से कितनी वोल्टेज बल्ब खा गया, कंज्यूम कर गया, कंजप्शन हो गया। तो हम देखते हैं इसके लिए हम ओम्स लॉ लगाएंगे, कैसे, करंट थ्रू द लैंप इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप, लैंप बोल दो बल्ब बोल दो एक ही बात है। तो करंट थ्रू द लैंप, करंट में से कितना लैंप में से कितना करंट जाएगा। बच्चा कहता है, कोई बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, सर यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम निकलेगा, यहाँ रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा निकलेगा। नो 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 नो, ऐसा बच्चा खुद को चीटिंग कर रहा है, क्योंकि वो टीचर का मेमोरी टूल भूल गया, कौन सा, SIS, सीरीज में करंट सेम होता है, क्योंकि 4 ओम रेजिस्टेंस और 20 ओम का बल्ब आपस में सीरीज में कनेक्टेड है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए तो इन दोनों में करंट सेम ही आएगा। तो
तो सर्किट में जो हमने टोटल करंट निकाला है उसी करंट को हम बल्ब में से निकला हुआ करंट मान लेंगे। कितना? 0.25। और बल्ब का रेजिस्टेंस ऑलरेडी कितना दे रखा है बेटे? 20। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 500 हुआ, 2 के बाद और यहाँ डॉट लगता है, तो वीक वोल्टेज ड्रॉप का यूनिट क्या होता है? उम्मीद करता हूँ 5 वोल्ट आपको समझ आया। अब इसके बाद एक पार्ट और है हमारे पास, वो क्या कह रहा है? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी कंडक्टर, ये कंडक्टर इसको बोलता है 4 ओम को। तो वोल्टेज ड्रॉप ध्यान से देखो, दूसरा पार्ट, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम पूछता है, उसका क्या मेथड होगा? करंट थ्रू 4 ओम इनटू रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, लेट्स पुट द वैल्यू। तो करंट थ्रू 4 ओम कितना लेंगे? अगेन वही बात, आप कहोगे सर रास्ता तो एक ही है ना करंट का, जो यहां करंट लिया है वही यहां लेना पड़ेगा, वही बॉडी सर्किट का। इसका मतलब ये करंट हम वही ले लेंगे जो निकाला है नीचे 0.25, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? तो 4 से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 100, 2 के बाद डेसिमल, तो आपका आंसर आना चाहिए सर 1 वोल्ट इज दी आंसर। अब एक बात और है हमारे पास, पावर ऑफ द लैंप बतानी, पावर ऑफ द बल्ब या लैंप, ठीक है? तो पावर ऑफ द लैंप के लिए कलर चेंज कर लेते हैं, बच्चों को अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी। तो पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट, ये हमेशा याद रखना बेटे, वोल्टेज ड्रॉप इनटू करंट। वोल्टेज ड्रॉप लैंप के अक्रॉस कितना आया था? ये पड़ा, कितना ले लें? 5 वोल्ट, शाबाश 5 वोल्ट ले लिया। और बल्ब में से करंट कितना लगे? करंट वही 0.25 हमने कैलकुलेट कर, जैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई करा 125, 2 के बाद डेसिमल, तो ये लिख दिया। लेकिन इसमें मिस्टेक है, पावर का यूनिट लिखना पड़ता है साथ में, वाट। क्या बोला टीचर ने? वाट। और अगर यूनिट लिखना हो तो 1.25, वर्डिंग में नहीं लिखना, अकेला सिंबल लाना हो तो W। अब टीचर मोमेंटरीली रुकता है, अपने इसको एब्जॉर्ब करो, यहां से यहां से यहां एब्जॉर्ब करो, 2 मिनट के लिए मैं रुकता हूं, फिर मैं आपसे पूछूंगा वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट। शाबाश, अब आपको टीचर का मेथड पता है, मेरा क्वेश्चन होएगा हैव यू अंडरस्टूड, अगर यस तो राइट हैंड जरूर वेव करना है बेटे, अगर नो तो लेफ्ट, दोनों में से हैव यू अंडरस्टूड। देखो बैठे हुए बच्चे कहना नहीं मानते, सर ये मैं पढ़ाना नहीं चाहता फिर। हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश, सिट डाउन सिट डाउन। तो इसका मतलब है हम इसको स्टोर कर लेते हैं, लेटर ऑन रिवाइज करने का अगर वक्त हो। देखो अभी भी अगर आपको ये सारा दिखता है तो इट मीन्स यू हैव अ वेरी गुड मेमोरी, ठीक है? देखिए किसी बच्चे की मेमोरी, जब मैंने पावर ड्रॉप ऑन बल्ब निकाला था तो कौन सा कलर यूज करा था? जब आंसर आया था 1.25 वाट तो कौन सा कलर यूज करा था? बताओ बताओ बताओ। देखते हैं एक बार फिर से, आपका मेमोरी सही है ये? ओके सो लेट्स प्रोसीड बेटे नेक्स्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, शाबाश सभी बच्चे एक बार पर्सनल रीडिंग दोगे क्वेश्चन को, 4 को। अरे आप क्वेश्चन 4 पर्सनल रीडिंग प्लीज। शाबाश, इस क्वेश्चन का मीनिंग मैं अपने बच्चों को खुद से भी समझाता हूं, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे।
हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है जिसका एक टर्मिनल यहां पर है, यहां से करंट एंटर करेगा बेटा। उसने बोला करंट यहां से एंटर करेगा और यहां पर उसने 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है, R1 4 ओम। ओके, फिर उसने इसी के पैरेलल में एक दूसरा रेजिस्टेंस लगा रखा है जिसकी वैल्यू उसने नहीं बताई, बस R2 लिख दिया और इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। करेक्ट बेटे, पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद उसने सेकंड टर्मिनल B भी निकाल दिया। कह रहा है जब भी मैं बैटरी लगाऊंगा यहां पर लगाऊंगा दोनों में, और कितने वोल्ट की बैटरी लगाएगा यहां पर, 12 वोल्ट की, 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया बैटरी की मदद से। अब उसने मेरे को अलग से 2 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है और एक दिया रखा है 3 ओम का रेजिस्टेंस, तीन दो रेजिस्टेंस दे रखे, राइट बेटे। अब क्वेश्चन में वो कहता है, ध्यान से सुना, अब असली बात अब है, वो बोल रहा है इन दोनों में से आउट ऑफ 2 ओम रेजिस्टेंस एंड 3 ओम रेजिस्टेंस विच ऑफ दिस रेजिस्टेंस आई शुड पिकअप एंड कनेक्ट एट R2 सच दैट इस करंट का वैल्यू 9 एम्पियर आए। करंट कितना चाहता है क्वेश्चन के मुताबिक, 9 एम्पियर, ठीक है। और ये कहता है मैं यहां पर ये कनेक्ट करूं और ये कनेक्ट करूं, दोनों में से एक कनेक्ट करूं। क्वेश्चन क्लियर है बेटे, क्वेश्चन क्लियर है, रेज योर राइट हैंड अगर क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्लियर है। फर्स्ट बेंच पे, हाँ क्वेश्चन क्लियर है। अब हम इसको देखते हैं कि ये करना कैसे। मैं अपने आप को स्टूडेंट मानते हुए सॉल्व करता हूँ, टीचर मानता ही, मान लो मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ, मैं ऐसे एग्जाम में बैठा हूँ, यार मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ, इन दोनों में से कौन सा लगाऊं कि 9 एम्पियर करंट आ जाए। अचानक मेरे दिमाग में आता है कि सर ने मेरे को बोला था कि करंट को कैलकुलेट करने के लिए आप ओम्स लॉ लगा सकते हो, तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, ध्यान से सुनो कि ओम्स लॉ लिखा गया होगा, ओम्स लॉ लिखा, मैं स्टूडेंट बन के सॉल्व करता हूं, आपकी उम्र में जाकर मैंने ये लिख दिया, मैं आपकी उम्र का बच्चा बन के फिर सॉल्व करता हूं, ये ओम्स लॉ है, इसमें से मैं 12 वोल्ट को तो इतना पुट कर दूंगा, और करंट मेरे को वो 9 एम्पियर चाहता है, इसका मतलब है अगर मैं इन दोनों की वैल्यू रख दूं तो इस सर्किट का जितना भी टोटल रेजिस्टेंस होना चाहिए वो मैं निकाल सकता हूं टोटल रेजिस्टेंस। तो अचानक मेरे दिमाग में जब ये बात आई तो मैंने वैल्यू रख दी, 12 वोल्ट रख दिया यहां से बेटे और 9 रख दिया और R टोटल को ऐसे लिख दिया। जैसे मैंने इसको सॉल्व करा तो व्हाट आई फाउंड, R टोटल कम्स आउट टू बी 12/9, दैट मींस 3 4/3, 4/3 ओम इतना रेजिस्टेंस आ गया। ओके, अब मैंने बोला कि रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का इतना आ गया, लेकिन मैंने जब सर्किट को ध्यान से देखा ऐसे स्टूडेंट बन के, यार मेरे सर्किट में तो 2 ही रेजिस्टेंस है पैरेलल, और पैरेलल में जब रेजिस्टेंस लगे हों क्या मेरे को फॉर्मूला आता आता है? यस, टीचर ने सिखाया था जब रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होते हैं तो रेसिप्रोकली ऐड होते हैं। तो मैंने क्या किया, टीचर की बात मानते हुए रेजिस्टेंस को एक और तरीके से निकालने की कोशिश करी, कैसे, आर टोटल इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, तो आर टोटल तो मेरे पास पड़ा है, मैं इसको यहां पुट करूंगा, जैसे आर टोटल मैंने कितना पुट करा, 4/3, और मेरे दिमाग में आया कि क्या मेरे को R1 और R2 पता है, दिमाग में आया R1 तो मेरे को लिखा हुआ दिया हुआ है 4 ओम, लेकिन R2 पता है, R2 की तो ऑप्शंस दे रखी है मेरे को, कौन सा, वही तो मैंने निकालना है, इसलिए मैं क्या हो गया, वेट ए मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया, यहां के बाद हम इधर करते, तो 1/4/3
इज इक्वल टू 1/4 + 1/r² ऐसे ही रख लेते हैं। और मेरे दिमाग में आता है, देखो इस इक्वेशन में कुछ भी ऐसी चीज नहीं है सिवाय सिंगल पैरामीटर के, तो मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। 4/3 घूम के 3/4 गया अपवर्ड, इसको इधर लाओ -1/4, ये क्या बन गया बेटे 1/r² एलसीएम लिया 4, 3 -1 2 आ गया 1/r². अब गौर से देखो ये हाफ बन रहा है, तो r2 क्या हो गया बच्चे, फिर रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, हाफ का भी रेसिप्रोकल दैट इज 2 ओम, तो r2 की वैल्यू 2 ओम निकली। और उसने मेरे को दो ऑप्शंस दी थी, मैं कहूंगा आप 2 ओम पिकअप करो, तब आपकी 9 एम्पियर वाली कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में पेपर सेटर ने क्या चीज करी, उसने एक तो टीचर की बच्चे की स्ट्रेटेजी जज करी कि वो सोच पाता है कि नहीं, दूसरा उसने एक ही न्यूमेरिकल में दो चीजें डाल दी, ओहम्स लॉ भी लगेगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी लगेगा और बच्चे की कैलकुलेशन एबिलिटी भी होनी चाहिए। मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूं, आप अपने मन से पूछो, फिर मैं क्वेश्चन करूंगा कि समझ आ गया कि नहीं। मन से पूछना है ऑब्जर्व करने के बाद कि समझ आ गया कि नहीं, चेक योर सेल्फ। शाबाश बेटे, जो बच्चे इस चांस को मिस करेंगे ना, शायद ही दोबारा चांस मिले उसको ये चैप्टर सीखने का। ओके, सो माय क्वेश्चन, हैव यू अंडरस्टूड दिस और नॉट? पूरी क्लास में से 9 बच्चों के हाथ खड़े, बैठे हुए बच्चों में से लास्ट में सरदार जी का नहीं हाथ खड़ा, उससे सेकंड लास्ट मैडम उसको खड़ा कर दो, जिसका एक हाथ खड़ा होना ही चाहिए, आइदर लेफ्ट और राइट। शाबाश, डाउन डाउन डाउन। अब मैं फिर से पूछता हूं, जिसको नहीं समझ आया वो लेफ्ट हैंड खड़ा करें, लेफ्ट हैंड बिना किसी शर्म के। शाबाश, दैट मीन्स यू शुड बी थैंकफुल टू योर क्लास टीचर जो इस वक्त ड्यूटी दे रहे हैं डिसिप्लिन मेंटेनेंस मेंटेन करने की, क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं होएगा तो आप इसको समझ नहीं पाते। इसको भी हम स्टोर करके रख लेते हैं, ये लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटे, फिफ्थ क्वेश्चन, सभी बच्चे एट योर ओन एक बार रीड करेंगे। शाबाश, फिफ्थ क्वेश्चन। अब मैं अपने बच्चों को फिफ्थ क्वेश्चन का मीनिंग समझाता हूं, ध्यान से सुनो। मेरे पास एक रेजिस्टेंस है और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है। ओके, फिर उसने बोला मैंने इस रेजिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट्स में काट दिया। ओके, हम भी काट लेते हैं, एक दो, तीनों रजिस्टर इक्वल पार्ट के हैं। ओके, अगर उसने इक्वल पार्ट के बढ़ ले हैं बेटे, और इसका मतलब ये इसकी वैल्यू कितनी हुई, r/3 r/3 r/3, क्यों? क्योंकि इक्वल पार्ट्स में बांटा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, फिर क्या कहता है, इन तीनों रेजिस्टेंसेस को जो नए वाले मिले हैं मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर लिया। और यार लिंक चला गया,